ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पढ़ाई में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, सिवाय एक बात के जो अभी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इस सवाल को बनाएंगे। खूब ध्यान से सुनना है क्योंकि एक बात है जो हम बहुत इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हम सब जानते हैं। अगर हम इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके अब कहें ग्राफ बनाइए, हम इस फंक्शन से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बात बोले थे कि जब आप साइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो फंक्शन का वैल्यूज y बराबर 0 लाइन से ऊपर जाता है, बढ़ते बढ़ते y बराबर 1 लाइन तक और फिर घटते घटते y बराबर -1 लाइन तक जाता है। तो हम इस वैल्यू को बोले थे फंक्शन का मीन वैल्यू, और जो फार्देस्ट डिस्टेंस फंक्शन का वैल्यू जाता है ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन, हम उस दूरी को कहे थे फंक्शन का एम्पलीट्यूड। यानी साइन फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करता है, ऑफ एम्पलीट्यूड 1 यूनिट दोनों तरफ, फार्देस्ट फंक्शन का वैल्यू जो जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज अपने मीन वैल्यूज से, जैसे कि कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, और ये बात हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में एक पार्टिकल ही है जो ऑसिलेट कर रहा है और उसी के पोजिशंस को हम प्लॉट कर रहे हैं, वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन 0। तो इस दूरी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। और एक संख्या इंपॉर्टेंट है, द पीरियड, जितने वैल्यू के बाद फंक्शन का वैल्यूज रिपीट करना शुरू करता है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके हम कहें कि ग्राफ बनाइए कि दिस फंक्शन का फ्लो चार्ट, यानी किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अगर कहें कि इस फंक्शन का वैल्यू बताइए, तो आप पहले उस फंक्शन का साइन ऑफ एक्स निकाल लेंगे और फिर जो नंबर आएगा उस नंबर को 2x फैक्ट्री में डालेंगे। इस फैक्ट्री का काम है कि कोई भी नंबर घुसेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, यही लिखा है। और यहां लिखा है जो भी नंबर इसमें घुसेगा उसका हम साइन वैल्यू निकाल के बताएंगे। तो ये फंक्शन, ये फ्लो चार्ट है 2 times साइन एक्स। पहले साइन एक्स निकला यहां, अब इसका एक्स के स्थान पे डाले, ये मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। साइन ऑफ 2x इज डिफरेंट फ्रॉम 2 times साइन एक्स। साइन ऑफ 2x का जो फ्लो चार्ट होगा उसमें पहले आपका इनपुट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो साइन फैक्ट्री में एंटर करेगा। तो 2 times साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन में कोई भी रियल नंबर जा सकता है और यहां पे -1 से 1 के बीच में नंबर रिटर्न होगा, और हर नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 से 2 के बीच में नंबर रिटर्न होगा। यानी 2 times साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा उसका पीरियड वही रहता है लेकिन एम्पलीट्यूड बदल जाता है, उसका जीरोस भी वही है। यानी वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, वाई बराबर 0 डालिए, तो जब जब साइन एक्स बराबर 0 होगा तब तब इसका वैल्यूज भी 0 होगा। यानी अभी भी उन्हीं पॉइंट्स पे कट कर रहा है, अभी भी उसका पीरियड वही है 2π, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल गया है 2 से गुना करने पर। 3 से गुना करते तो एम्पलीट्यूड 3 हो जाता, क्योंकि अब फंक्शन का वैल्यूज -3 के बीच में वैरी करता। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते फंक्शन को तो हम उसका ग्राफ कैसा होता। हाँ, जो 2 साइन एक्स का ग्राफ बना लेगा वो -2 साइन एक्स का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन एक्स का ग्राफ बन गया, अब हर वैल्यूज को किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पे फंक्शन का वैल्यू निकाले 2 साइन एक्स का और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब ग्राफ पलट जाएगा, ऐसा ग्राफ इस तरह से, दैट इज द ग्राफ ऑफ -2 साइन एक्स। अगर हम पूछें कि -2 साइन एक्स फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है तो -2 नहीं बोलिएगा, एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। इस फंक्शन का भी एम्पलीट्यूड 2 ही है, यानी अपने मीन वैल्यू से ये जो फार्देस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऊपर या नीचे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो ये भी एक फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड 2 यूनिट्स है
और इसका पीरियड भी अभी भी 2π, पीरियड हैज नॉट चेंज्ड। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ कहें कि बनाइए साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4, तो जो साइन x फंक्शन का ग्राफ बना लेगा, x के जगह x माइनस अल्फा लिखने से हम जानते हैं कि ग्राफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ग्राफ में के शक्ल में क्या चेंज दिखता है। पूरा ग्राफ आपको पाई बाई 4 यूनिट टू द राइट शिफ्ट करना होगा। ये ग्राफ है y बराबर साइन x का ग्राफ बनाए हैं, यहां ओरिजिन पाई 2π 3π। हम अब y बराबर साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहां है पाई बाई 4। हम पूरे ग्राफ को पाई बाई 4 यूनिट्स राइट शिफ्ट करना होगा, यहां पाई बाई 4 है, यानी ये पॉइंट अब यहां चला जाएगा, सारा ग्राफ ही पाई बाई 4 यूनिट से शिफ्ट कर जाएगा इधर आइए। अब वो एक्चुअल ग्राफ हुआ है जो बराबर है, ये नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि ग्राफ को चूंकि पाई बाई 4 यूनिट्स की राइट शिफ्ट करना था, तो हम अपने वाई एक्सिस को टू द लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं पाई बाई 4 यूनिट से। यहां से यहां तक का दूरी पाई बाई 2 है, यहां से यहां का दूरी पाई बाई 4 है, यानी वाई एक्सिस को हम यहां बना देते हैं, ओरिजिन को ना यहां लिख देते हैं, हर नंबर में पाई बाई 4 एड कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिन अब इधर हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4 वगैरह वगैरह। जहां पाई बाई 2 पहले लिखे थे, यहां ओरिजिन लिए थे तो इसको पाई बाई 2 लिखते, लेकिन आप ओरिजिन यहां लिखे हैं तो उसमें पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 हर नंबर में पाई बाई 4 एड कर दे। दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने से ग्राफ के शक्ल में कोई बदलाव नहीं आता है, सिर्फ ग्राफ मेरा घसक जाता है पैरेलल टू द x एक्सिस। यानी अभी भी हम इस फंक्शन का कहें कि एम्पलीट्यूड बताइए तो 1, और पीरियड वही 2π, किसी एक स्थान से चलिए जहां समाप्त हो गया, ये लंबाई या क्रेस्ट टू क्रेस्ट का दूरी या ट्रफ टू ट्रफ का दूरी, या यहीं से चलिए, यहां से चलते 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 जब फिर ये दूरी यहां से, पीरियड में भी कोई चेंज नहीं हुआ। फंक्शन का पीरियड किसी भी एक स्थान से चलने पर, फिर ग्राफ का कितने दूर चलने पर ग्राफ का शक्ल फिर से रिपीट होने लगता है, उस दूरी को कहते हैं 2π। कहीं भी देख सकते हैं आप, कहीं भी आप यहां से चलें और 2π यूनिट्स दूरी पहुंचते पहुंचते, या किसी भी क्रेस्ट से चलिए, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का बीच का दूरी या एक ट्रफ, वो दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ ग्राफ घसक गया। अगर हम y बराबर साइन ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कहें कि बनाइए, अब फंक्शन का वैल्यू निकाल के 2 ऐड करना है, तो ग्राफ अब 2 यूनिट्स ऊपर घसक जाएगा y एक्सिस के अलावा। ये फंक्शन अपना वैल्यूज रिटर्न करता माइनस 1 से 1 के बीच में, हर नंबर में 2 ऐड करना है। जब भी आपसे हम पूछे कि इस फंक्शन का वैल्यू बताइए, तो जो भी ये फैक्ट्री रिटर्न करेगा उसमें 2 ऐड करना है, तो ये माइनस 1 से 1 के बीच में रिटर्न करेगा, ये फंक्शन माइनस 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 2, अब 1 से 3 के बीच में पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स चला जाएगा, यानी उसका मीन पोजीशन को 2 यूनिट्स, यहां 1 लिखा है यहां, अब ये हो जाएगा ग्राफ का मीन पोजीशन। ग्राफ पहले ऐसा था वाई बराबर साइन एक्स, 2 यूनिट्स ऊपर करना है, दिस इज 1 दिस इज 2, अब 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा ग्राफ, अब उस फंक्शन का वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, अब वो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 से लेकर 2 प्लस 1, क्योंकि पहले उसका मीन वैल्यू था 0, तो 0 से 1 ऐड कर दीजिए फार्देस्ट, 0 से 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए स्मॉलेस्ट, लेकिन अब उसका मीन वैल्यू हो गया है 2, अब वो 2 नंबर के ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। जब इस फंक्शन का वैल्यू 1 होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू 2 प्लस 1, और जब इस फंक्शन का वैल्यू माइनस 1 होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू 2 माइनस 1, यानी अब फंक्शन, इस फंक्शन का वैल्यू
टू प्लस माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा, यानी उसका मीन वैल्यू टू होगा, एम्पलीट्यूड वन, और पीरियड कोई चेंज नहीं हुआ है पीरियड में। अब ग्राफ को केवल टू यूनिट से ऊपर की जितना डिस्टेंस के बाद रिपीट करता था, दैट डिस्टेंस हैज नॉट चेंज। वो कब चेंज करेगा? अगर ग्राफ को हम पतला कर दें पचका के, या लंबा कर दें फैला के बस। अगर इसी ग्राफ को हम ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना दें, अब पीरियड बदल गया, अब ग्राफ जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है, या हम इसको फैला के बना दें, अब ग्राफ का पीरियड बदल गया, अब वो ज्यादा ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स के बाद रिपीट कर रहा है। तो अब तक तीन ट्रांसफॉर्मेशन हम बताए, साइन एक्स फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से गुना कर दें तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड में फर्क हो जाएगा, सी हो जाएगा एम्पलीट्यूड की मॉड सी। हाँ, सी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके पूछिएगा एम्पलीट्यूड, तो हम माइनस थ्री नहीं बोलेंगे, थ्री बोलेंगे। तो सी टाइम्स साइन एक्स फंक्शन का हम पूछे एम्पलीट्यूड और पीरियड और मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू जीरो है और इसका वैल्यू प्लस माइनस सी के बीच में ऑसिलेट करेगा, एम्पलीट्यूड सी नहीं बोलेंगे बल्कि मॉड सी बोलेंगे, और पीरियड टू पाई। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था, एक्स की जगह हम कुछ एक्स माइनस अल्फा लिखते हैं, अब तब साइन फंक्शन लगाए, और अंतिम था साइन एक्स फंक्शन निकालने के बाद उसमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, तो अब मीन वैल्यू बदल जाता है, अब वो बीटा प्लस माइनस वन के बीच में ग्राफ पाया जाता है, बीटा माइनस वन से बीटा प्लस वन के बीच में। और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें अब फंक्शन का पीरियड बदलेगा, वाई बराबर साइन ऑफ टू एक्स, वाई बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस टू नहीं, इसका तो मतलब है कि ग्राफ को टू यूनिट्स लेफ्ट घस, ये साइन एक्स ग्राफ है तो टू यूनिट्स इस ग्राफ को लेफ्ट घसना है, यानी हम y एक्सिस को सोच रहे हैं टू यूनिट्स राइट घसका दे, यहां 1.57 है, यहां पे कहीं 2 है, हो गया। अब सारा नंबर्स जो इधर लिखा था पहले, जैसे इसको ओरिजिन लेकर के हम बनाए थे, तो इस संख्या को लिखते पाई बाई टू, यहां लिखते पाई, यहां 2 पाई, अब हम 2 यूनिट्स राइट घसकाए हैं तो सब संख्या में माइनस 2 कर देंगे, हर नंबर इसमें भी माइनस 2, इसमें भी माइनस 2, इन सब संख्या में माइनस 2 कर देंगे, तो अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब नया नंबर्स हो जाएगा। आपसे कोई नहीं कहने जा रहा है ग्राफ बनाने के लिए, कहीं दूर दूर तक इस सब बात का जरूरत नहीं पड़ने वाला, आपको ये सब समझना है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू no change in the shape of the graph, neither the amplitude has changed, neither the mean value has changed, graph aisa aisi ghaska hai, aisa aisi nahi, and neither the period has changed. Ye naya cheez sign of 2x, yani ab aapko ek factory mein input ko multiply karke tab sign factory mein ghusna hai, to dekhiye kya hoga, अब पीरियड क्यों बदल गया, आप जीरो से लेके पाई तक का नंबर्स डालेंगे ना, तो ये फैक्ट्री जीरो से टू पाई तक का नंबर रिटर्न कर देगा, और फिर यहां से वहां तक तो फंक्शन का वैल्यूज एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, और फिर जब आप पाई से टू पाई के बीच का नंबर्स डाल रहे होंगे तो यहां पर टू पाई से फोर पाई के बीच का नंबर्स निकल रहा होगा, और ये हम सेकेंड साइकिल प्लॉट करने लगेगा ग्राफ, यानी कि ये फंक्शन का जो पीरियड है अब वो बदल गया है, अब पीरियड पाई हो गया है, हर पाई पाई यूनिट के बाद ग्राफ रिपीट करेगा। अगर हम साइन ऑफ 3x कर दिए होते तो यहां पे आप 2 पाई बाय 3, 0 से 2 पाई बाय 3 तक नंबर डालते, 3 से मल्टीप्लाई करके यहां 0 से 2 पाई नंबर्स रिटर्न हो जाता, 2 पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई, और एक साइकिल, यानी अब ग्राफ का पीरियड, इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई बाय 3, इसका 2 पाई बाई 2 पीरियड था, पीरियड को टी सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 है, वगैरह वगैरह। अगर हम साइन ऑफ हाफ एक्स लिख दें तो इसका पीरियड 2 पाई बाई हाफ यानी 4 पाई होगा इसका पीरियड, यानी अब अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें
ये मेरा साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है, कल्पना कीजिए, जिसका एक एक साइकिल हम बना रहे हैं, 2π 2π जहां मार्क करते हैं वहां हम अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये मेरा साइन फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं। अगर साइन ऑफ 2x का ग्राफ को लिएगा बनाने, तो उसका पीरियड हम तुरंत समझ जाएंगे कि अब x का वैल्यू 0 से पाई तक पहुंचते पहुंचते अब ये फंक्शन रिपीट करने लगेगा, यानी इतने ही दूर में इसका साइकिल कंप्लीट हो जाए। ये है मेरा साइन ऑफ 2x का ग्राफ। अब आपको निकट निकट दिखेगा क्रेस्ट। अब पहले वाले ग्राफ के क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो दूरी था वो 2π था, और दूसरे वाले ग्राफ के क्रेस्ट टू क्रेस्ट का बीच की दूरी 2π/2 यानी पाई होगा। और साइन ऑफ 3x फंक्शन का ग्राफ, अब वो 0 से 2π के बीच का जो दूरी है उसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, इतने ही दूर में उसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 3 बार। और निकट निकट ये नंबर को जितना ज्यादा बड़ा करते जाएंगे, साइन ऑफ 500x उसका ग्राफ 0 से 2π/500 यानी इसको 500 हिस्सों में बांट दीजिए, तो उतने दूर में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ 500 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएगा इतने दूर में, ऐसा होगा ग्राफ। यानी अब अगर हम भविष्य में ऐसा एक फंक्शन लिखते हैं 3 times sine of 2x minus π/4 एक फंक्शन लिखे हैं फंक्शन ऑफ x, तो हम चाहेंगे कि आप इस फंक्शन को देख करके बता दें +7 इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड बताइए, मीन वैल्यू बताइए, पीरियड बताइए। देखिए ये जो फंक्शन का फ्लो चार्ट है ना, कोई भी x घुसेगा तो पहले 2x फैक्ट्री में घुसते, वहां से फिर x minus π/4 माने नंबर पहले 2 से गुना होगा, फिर उस नंबर में ऐड होगा -π/4, फिर ये साइन फैक्ट्री में घुसेगा, अब फिर ये 3x फैक्ट्री में घुसेगा, यानी साइन फैक्ट्री जो नंबर रिटर्न करेगा वो 3 से गुना होगा, और लास्ट में x+7 फैक्ट्री में घुसके तब निकलेगा f(x)। ये इस फंक्शन का फ्लो चार्ट। आप कोई भी रियल नंबर लेकर के घुस सकते हैं, क्यों सोच के देखिए, इसमें जितना मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो सब का सब हम लोग डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। किसी भी नंबर को 2 से गुना कर सकते हैं, किसी भी नंबर में हम -π/4 ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का साइन निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑल रियल नंबर्स है, यानी इसका ग्राफ x = −∞ से +∞ के बीच में बनेगा, और ये पीरियोडिक फंक्शन तो है क्योंकि दिख रहा है पीरियोडिक, एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ x के बाद इस फंक्शन का वैल्यूज रिपीट करेगा। जो इस फंक्शन का ग्राफ बना लेगा वो इसका बना लेगा, यानी जो साइन ऑफ 2x का बना लेगा, साइन 2x का ग्राफ हम बना रहे हैं, वो 0 से पाई के बीच में साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, बस यही है। और 1 इसका वैल्यूज +−1 के बीच में होगा, ये है मेरा साइन ऑफ 2x का ग्राफ, 0π, π/2, 2π, 3π/2 इधर भी बनेगा। अब उसको 2x - π/4 लिखा है, मतलब 2 times x - π/8 लिखा है, तो इसमें x के जगह x - π/8 लिखा है, यानी इस ग्राफ को π/8 यूनिट्स की राइट घसकना है। ये जरूरी नहीं है ये सब करना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ग्राफ को राइट घसकना है तो हम y एक्सिस को लेफ्ट घसका देते हैं π/8, ये ग्राफ हो गया, ये मेरा y एक्सिस होगा, यानी अब ये नंबर जहां ओरिजिन लिखे तो π/8 होगा, सब में π/8 ऐड कर देंगे। अब इसका ग्राफ बन गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो अब ये ग्राफ जो +−1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, अब वो +−3 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे। तो यहां मल्टीप्लाई करने से आप एम्पलीट्यूड बदल देंगे, यहां ये नंबर ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से पीरियड बदल दिए, और -π/4 ऐड करने से आप ट्रांसलेट किए हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका पीरियड कितना है यही नंबर डिसाइड करेगा, द पीरियड, और कोई नंबर नहीं, यानी इसका पीरियड है 2π/2 पीरियड। इसका एम्पलीट्यूड इक्वल टू 3, और इसका मीन वैल्यू, अब
अंत में 7 ऐड कर दिया गया है, पूरा ग्राफ ही 7 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। यानी अब ये ग्राफ जो y बराबर 0 लाइन के आर पार ऑसिलेट कर रहा था प्लस माइनस 3, अब y बराबर 7 लाइन के ऊपर 3 यूनिट्स जाएगा और 3 यूनिट्स नीचे, यानी उसका वैल्यूज 7 माइनस 3 से लेकर के 7 प्लस 3 के बीच में वैरी करेगा। तो इस फंक्शन का मीन वैल्यू इज 7, द एम्पलीट्यूड इज 3 एंड द पीरियड इज 2 पाई बाई 2 विच इज पाई। यानी आइडिया ये था कि अगर हम कोई भी रियल नंबर डालें इस फैक्ट्री में तो क्या रिटर्न करेगा। कोई रियल नंबर डालिए, लीनियर फंक्शन में कोई रियल नंबर डालिए, उसका रेंज भी रियल होता है, ऑल रियल नंबर्स, तो रियल नंबर रिटर्न करेगा। रियल नंबर्स को लेकर के जब साइन फैक्ट्री में घुसिएगा तो क्या रिटर्न करेगा, माइनस 1 से 1 के बीच का नंबर, उनको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3 से 3 के बीच का नंबर रिटर्न होगा, और हर नंबर में 7 ऐड कीजिएगा तो 7 माइनस 3 से लेकर के 7 प्लस 3 के बीच में यानी 4 से लेकर 10 के बीच में ये नंबर रिटर्न करेगा। यानी हम इस फंक्शन का रेंज पूछे होते कि बताइए क्या क्या वैल्यूज रिटर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। आप जवाब लिए होते इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विल लाई बिटवीन 7 माइनस 3 टू 7 प्लस 3 तेजी से 4, 10 के बीच में। इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू होगा 4 और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 10। साइन ऑफ 2x को 3 से मल्टीप्लाई की और एक कॉस ऑफ 2x को 4 से मल्टीप्लाई की। ये फंक्शन हम जानते हैं एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई बाई 2, यानी 0 से पाई के बीच में ही इसका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, माइनस 3 से लेकर प्लस 3 के बीच में ग्राफ बनेगा। अब बाकी कॉपी पेस्ट, और इसका ग्राफ उसका पीरियड भी 2 पाई बाई 2 है, पीरियड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। यानी हम यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 2x लिख दें प्लस पाई बाई 3, तो इसको साइन ऑफ 2x माइनस पाई बाई 3 विथ अ माइनस साइन, और साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस बाहर लिख सकते हैं साइन। पीरियड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इट इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई बाई 2 यानी पाई, और एम्पलीट्यूड 4, यानी 0 से पाई के बीच में कॉस का ग्राफ कंप्लीट होगा। कॉस का ग्राफ एक साइकिल में हम लोग ऐसे बनाए थे बाल्टी जैसा, लेकिन अब 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाएंगे और 4 यूनिट्स जाएगा, प्लस 4 से लेके माइनस 4। दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ओवर वन पीरियड, एक साइकिल, इसके बाद यही कॉपी पेस्ट होता जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन बनाए। सवाल देखते वक्त तो यही सब करेंगे ना हम लोग, हम अलग अलग सब फंक्शन को जानते हैं, हम मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3, दो अलग अलग फंक्शन है, एक मॉड ऑफ x प्लस 1 ये है और मॉड ऑफ x 2x माइनस 3 ये है। x इक्वल टू 3 बाई 2 पे मॉड ऑफ 2x का ग्राफ को हम शिफ्ट कर दिए हैं x इक्वल टू 3 बाई 2 पोजिशन, और ये मॉड ऑफ x का ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किए। तो अलग अलग हम इसको भी जानते हैं, लेकिन दोनों को ऐड करके हम एक फंक्शन बनाएंगे और कहेंगे कि अब इसको एनालाइज कीजिए। तो इस फंक्शन को अगर हम तोड़ के लिख सकें, क्योंकि हम जानते हैं माइनस 1 और 3 बाई 2 पे ये फंक्शन डेफिनेशन अपना चेंज कर रहा है, तो हम तीन हिस्सों में इस फंक्शन को अगर तोड़ के लिखे तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड तीन टुकड़ा लिखा जाएगा। फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 2 हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एक लीनियर फंक्शन में लिख सकते हैं, ये 2x माइनस 3 हो जाएगा और ये x प्लस 1 हो जाएगा और 3x माइनस 2 ये रिड्यूस हो जाएगा। फॉर वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 ये भी माइनस ऑफ x प्लस 1 लिखाएगा, अब वो भी माइनस ऑफ 2x माइनस 3, माइनस कॉमन लेकर के ऐड कीजिएगा तो यही नंबर एक्सप्रेशन आएगा माइनस ऑफ 3x माइनस, और माइनस 1 से 3 बाई 2 के बीच में वैल्यूज ऑफ x होगा, तो ये तो x प्लस 1 लिखा जाएगा लेकिन वो 3 माइनस 2x लिखाएगा, यानी कंबाइन कीजिएगा तो ये 4 माइनस x। सो दिस सिंप्लीफाइज टू दिस फंक्शन। तो हम जब आपसे सवाल पूछेंगे तो यही करेंगे ना, फंक्शंस को जोड़ जोड़ के नया फंक्शन बनाएंगे, या घटा के, या गुना करके, या डिवाइड करके, दिस बटे दिस करके एक फंक्शन बनाएंगे। तो हम आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ
टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, पर टू रैंडम नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम चुने हैं, एक साइन और कोसाइन, और वो भी दोनों सेम पीरियड का चुने हैं। तो अगर हम सेम पीरियड का एक साइन फंक्शन और एक कोसाइन फंक्शन को लेते हैं, साइन 3x होता तो वहां भी कॉस 3x, सेम पीरियड होना चाहिए। अब उन दोनों को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके और दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है एक फेसिस्ट के लिए। यही एक आखिरी बात है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको सिखाना है। जब कभी हम ऐसा फंक्शन दें, बड़ा क्लियरली हम आपको सब बात बताए हैं कि अगर दोनों फंक्शन सेम पीरियड का हुआ, सेम पीरियड ऑफ सेम पीरियड, तब वैसे स्थिति में हम इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके एक बड़ा ही सिंप्लीफाइड फंक्शन में रिड्यूस कर पाते हैं, जैसे मॉड में दिखाया आपको। पर वो रिड्यूस तो वही कर पाएगा जो अभी सुनेगा, और अगर नहीं कर पाएंगे हम, तो हम इस फंक्शन का पूछे कि डोमेन बता दीजिए कि ये फंक्शन कौन कौन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है, तो वो बताना बहुत आसान है। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है। लेकिन रेंज पूछे कि बताइए, यानी आप इस फैक्ट्री में डालना शुरू कर दीजिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अब वैल्यूज बताइए कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा। हाँ, इतना समझ रहे हैं कि ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, पीरियड 2π, और ये पोर्शन भी पीरियोडिक है, पीरियड पाई, यानी कि पाई के बाद दोनों वैल्यूज रिपीट करने लगेगा, तो दोनों को जोड़ करके भी जो कोई ग्राफ बनेगा, पता नहीं कैसा बनेगा, वो जीरो से पाई के बाद फिर वही ग्राफ रिपीट करने लगेगा। बट वो ग्राफ होगा कैसा, वो नहीं बता पा रहे हैं फिलहाल। लेकिन अगर हम कोई तरीका से अभी जो सिखाने जा रहे हैं इनको कंबाइन करके एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो हमेशा नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा मत समझिएगा कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप यहाँ पे खाली पीरियड बदल देंगे तो आप ऐड नहीं कर पाते, यानी कुछ खास बात है तभी सीख रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन, यहाँ किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। आप उसको कैसे कंबाइन करके एक सिंप्लीफाइड फंक्शन में बदलते हैं वो देखिए, और उसके ग्राफ बनने लगेगा। हम एक रूट अंडर 3² + 4² से एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ये रूटीन काम है, हम लोग के जीवन में बहुत बार करना है, तो एक बार पहली बार देखिए, फिर देखिएगा, फिर देखिएगा, धीरे धीरे याद हो जाए। ये नंबर इस वक्त 5 है, सिंपल सा नंबर हम जान के चुने थे, बट इन जनरल होगा 8 × sin ωx सम नंबर प्लस b × cos ωx। इस सिंबल को हम ओमेगा बोलते हैं, W नहीं है ये, ऐसे ऐसे W किंक होता है, तीखा कोना, और ये स्मूथ जैसा है, तो हम इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। एक ऐसा भी है ओमेगा, एक कैपिटल ओमेगा, आइए स्मॉल ओमेगा। तो ये कोई नंबर है, रियल नंबर, सेम पीरियड का दो फंक्शन लिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। इस फंक्शन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करने का पहला स्टेप बताए हैं कि रूट अंडर a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। हम ये नंबर सब जान के सिंपल सिंपल लिए, ताकि ये 3/5 दिखे, वो अनइम्पॉर्टेंट है, 3/5 दिखना अनइम्पॉर्टेंट है। अब ये दोनों संख्या को जरा गौर से देखिए, ये a है, b है, रूट अंडर a² + b² हम सब जानते हैं कि इस तरह का तीन संख्या को हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे तीन संख्या को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3, 4, 5, माने 3² + 4² करने पे 5² के बराबर होता है। ऐसा कोई भी तीन संख्या को हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 sides के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी हम जो 3/5 था, 3, 4 और 5 था, हम इसको
कुछ कोई एक एंगल ले लें, अगर 3, 4, 5 इस एंगल को कुछ 5 मान लें, ये एंगल जानना जरूरी नहीं है। इस केस में हम जानते हैं कि ये 37 डिग्री है, हम एग्जांपल लिए हैं, बट हम इसको 5 मान लेंगे इन जनरल। यहाँ पे ए बी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम अगर इस एंगल को 5 मान लें तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं कॉस 5 और इस नंबर को लिख सकते हैं साइन ऑफ सम, जो कि इस केस में यहां इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ऑफ 53 डिग्री और इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 53 डिग्री। और अब इस फंक्शन को कंबाइन करके 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 53 डिग्री लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं। अब ये फंक्शन का ग्राफ प्लस माइनस 5 के बीच में ऑसिलेट करेगा इस फंक्शन का वैल्यूज, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में रहेगा, तो 5 से गुना कर देंगे तो ये प्लस माइनस 5 के बीच में ऑसिलेट करेगा। अभी इस 53 डिग्री को भूल जाइए, अभी हम 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाए हैं, 0 से पाई के बीच में इसका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इस 53 डिग्री के आने से ये पूरा ग्राफ 53 यूनिट्स डिग्री लेफ्ट घिसक जाएगा। 53 डिग्री को रेडियन में हम चेंज करेंगे, डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 डिग्री से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और उतना रेडियन से इसको हम पूरे ग्राफ को लेफ्ट घसकाएंगे। उसको अभी छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस फंक्शन का अब हम रेंज बता सकते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यूज माइनस 5 से 5 के बीच में वैरी करेगा। इसका जनरल सिंप्लीफिकेशन देख लें, हम इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा एक्स प्लस 5 इसको इस रूप में रिड्यूस कर सकते हैं, जहां पाई किस एंगल को कह रहे हैं, फाइव इस राइट एंगल में ट्रायंगल में देखिए टेन फाइव बराबर बी बाई ए, बी बाई ए को का जो टेन इनवर्स है, ये एक भाषा है हमारा, उसी एंगल को हम फाइव कह रहे हैं। इस भाषा के बारे में अभी हम लोग नहीं जानते हैं, दी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग नहीं पढ़े, वो क्लास 12th में पढ़ना होता है, बट ये भाषा है हमारा। जब हम कहते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, इसी बात को भविष्य में हम कहेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ का मतलब 30 डिग्री होता है, ऐसा बोलेंगे लेटर। जैसे टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो हम टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 का वैल्यू पूछेंगे कितना होगा, तो आप बोलेंगे पाई बाई 6। यानी अब भविष्य में हम कभी ऐसा फंक्शन देखें लिखा हुआ, याद रखना है खाली कि पीरियड सेम होना चाहिए, जो नंबर हो और पूछे कि इसका रेंज बता दीजिए, तो तुरंत बताना होगा बिना कलम उठाए। देखिए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर, यही एम्पलीट्यूड है, इतना से इतना के बीच में इस फंक्शन का वैल्यूज लाइक है। अब हम लोग इस सवाल को बना के देखें, हम एक फंक्शन डिफाइन किए हैं रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, इस फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछ रहे हैं, माने रेंज पूछ रहे हैं। हम पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान दें, हम इस फंक्शन को g ऑफ x कह रहे हैं, साइन स्क्वायर x प्लस 3 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x प्लस 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर x। ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं एक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2, ऐसे नहीं पता चल रहा था साइन स्क्वायर x, साइन x का ग्राफ ये था, इसको स्क्वायर करते ना आप हर वैल्यूज को, किसी भी x पे फंक्शन का वैल्यू निकाले साइन x का, उस नंबर का स्क्वायर किए तो थोड़ा और छोटा नंबर आ जाता है, फ्रैक्शन का स्क्वायर और छोटा नंबर होता है। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू निकाले 1 और उसका स्क्वायर किए तो 1 रह गया, यानी साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाइएगा तो थोड़ा और ऐसे ऐसे जाएगा, यहां तक पहुंचेगा चक्का, और फिर किसी भी x पे साइन x का वैल्यू नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर x का ग्राफ, ऐसा होगा साइन स्क्वायर x का ग्राफ। मॉड साइन x का ग्राफ डिफरेंट है, ये साइन x का ग्राफ है, अगर मॉड साइन x का ग्राफ बोलेंगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा, ये सब नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये भी पीरियोडिक है। अब इसका पीरियड देखिए पाई है, क्योंकि पाई के बाद ही रिपीट करना शुरू करेगा ग्राफ, और साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ बने है उसका शक्ल डिफरेंट है, यहाँ किंक नहीं है, तीखा कोना नहीं है, जैसे ये तीखा कोना है, ये स्मूथ जैसा ग्राफ है, ऐसे ऐसे,
और ये आप उम्मीद करते हैं समझे होंगे, हम बताए हैं आपको कि किसी वैल्यू ऑफ एक्स पे साइन का वैल्यू निकालिए, एक फ्रैक्शन आएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा नंबर आएगा, तो डॉट थोड़ा नीचे प्लॉट करेंगे आप। एक्स इक्वल टू 5/2 पे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अभी भी 1 ही हाइट का रहेगा, तो ग्राफ ऐसे ऐसे हो जाएगा। पीरियड पाई, तो ये पाई पीरियड का एक फंक्शन था, उसी को आप ऐसे लिखे। अब आप देख सकते हैं कि ये हाफ माइनस हाफ टाइम्स कॉस 2x है, यानी ये एक पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड पाई, उसी को हम ऐसे लिखे हैं, और इसको 3/2 टाइम्स साइन ऑफ 2x लिख दिए, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन ऑफ 2x, और इसको 5/2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ 2x लिख दिए। अब जरा इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 तो कॉमन है, न्यूमरेटर में हम लोग ऐड करें तो 5 प्लस 1 6, और 5 cos 2x माइनस cos 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 3 sin 2x, और एक 2 से डिवाइडेड है, 3 प्लस हाफ टाइम्स इतना। और अब हम ये दोनों फंक्शन को कंबाइन करके 5 टाइम्स sin ऑफ 2x प्लस 5 टाइप का एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, हम 4 टाइम्स कॉस 2x प्लस 3 टाइम्स साइन 2x को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से। अब इसको हम चाहें तो कुछ कॉस ऑफ साई भी लिख सकते हैं या साइन ऑफ साई, जैसे 3, 4, 5, अगर हम इस एंगल को साई कहते हैं तो 4/5 को कॉस साई लिखेंगे और इसको साइन साई लिखेंगे। अगर इस एंगल को फाई कहे होते तो 4/5 को हम साइन फाई लिखे होते। अगर ऐसे लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी के रूप में लिख सकेंगे। और हम अगर इसको साइन फाई लिखे होते कॉस फाई, तो इसको साइन ऑफ, तो ये हम साइन या कॉस किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक में कर दिया। यहां पे हम फाई क्या चीज को कहे होंगे, यहां मन में देखिए इसको कॉस फाई कहे होंगे, तो 3, 4, 5 इसको फाई कहे होंगे, यानी ये कॉस हम फाई माने होंगे 3/5 को, और साइन फाई 4/5 को, डिवाइड कर दीजिए तो टेन फाई 4/3 है, यानी यहां पे फाई एंगल जो लिख रहे हैं वो टेन इनवर्स ऑफ 4/3 के बराबर है। मन ही मन इसको हम कॉस माने होंगे, इसको साइन, तब ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को जोड़ के साइन में कन्वर्ट होगा। अगर इसको कॉस माने होते इसको साइन, तब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जुट करके कॉस ऑफ ए माइनस बी में कन्वर्ट हुआ। सो चॉइस इज योर्स, पर इतना पक्का पता है कि हम इसको इस रूप में लिख पाएंगे। अब सवाल बन गया, अब इस फंक्शन का रेंज चाहिए ना, ये वैल्यूज कितना से कितना के बीच में रिटर्न करता है, तो इसका वैल्यूज 3 - 5/2 से लेकर के 3 + 5/2 के बीच में रिटर्न करेगा जीएक्स फंक्शन का वैल्यूज, विच इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ से लेकर के 11/2 के बीच में रिटर्न करेगा। लेकिन अब इन नंबर्स को रेसिप्रोकल फैक्ट्री में जाना है, इन नंबर्स को रेसिप्रोकल फैक्ट्री में, तो रेसिप्रोकल फैक्ट्री हम जानते हैं कि एक, यानी अब तक आप पता लगाए कि एक्स हाफ से लेके 11/2 के बीच में है, माने डिनोमिनेटर को हम अब एक्स बोल रहे हैं या जी एक्स बोल दीजिए। तो अब हमको 1/gx का वैल्यूज जानना है कितना से कितना के बीच में होगा। रेसिप्रोकल फैक्ट्री इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल में, इसीलिए दोनों तरफ पलट जाएगा। रेसिप्रोकल लीजिएगा तो इधर 2/11 आएगा, इधर 2/1 आएगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। इसको हैंडसम लुक देने के लिए हम इसको 2/11 से लेके 2 के बीच में नंबर्स रिटर्न होगा। दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो अब तक सीखे हैं हम लोग उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, एक बार याद दिलाते हैं आपको कि हम लोग अब तक क्या सीख चुके हैं। हम सीखे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 times साइन ऑफ 3x प्लस 12 times कॉस ऑफ 3x। इस फंक्शन का रेंज आप अलग से जानते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे
तो माइनस फाइव से फाइव के बीच में लाई करेगा। इस फंक्शन का वैल्यूज भी आप जानते हैं, माइनस बारह से बारह के बीच में लाई करेगा। दोनों का ग्राफ भी आप अलग अलग बना सकते हैं, जीरो से टू पाई बाई थ्री के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ यहां से शुरू करेंगे और यहां समाप्त कर देंगे और माइनस फाइव और फाइव मार्क कर देंगे। दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और उस फंक्शन का ग्राफ, कोसाइन ग्राफ, इस तरह से बनता है, एक साइकिल बाल्टी जैसा, लेकिन इसका वैल्यूज मार्क करेंगे माइनस 12 से 12 के बीच में। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो ग्राफ बनेगा, यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन का वैल्यू और ये फंक्शन का वैल्यू दोनों को ऐड करके एक नया डॉट बनाना है और वर्टिकल लाइन को घसकाते जाना है और नया ग्राफ बनाना है। तो हम लोग यही सीखे हैं अब कि हमें दोनों को कंबाइन करके रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस सम रियल नंबर या कॉस ऑफ 3x प्लस सम रियल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अब नंबर कितना है, मन ही मन सोचिए कि हम इसको डिवाइड किए होंगे रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से और मल्टीप्लाई किए होंगे रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से। इसका वैल्यू 13 है तो हम यहां पे 13 टाइम्स लिख दे रहे हैं, यानी हम इसको 13 से डिवाइड किए होंगे और 13 से मल्टीप्लाई किए होंगे और इस फ्रैक्शन को कॉस ऑफ सम एंगल हम लिखे होंगे, इस तरह का एक कल्पना किए होंगे 5, 12, 13। एंड अगर हम 5/13 को कॉस फाई लिखे होंगे और 12/13 को साइन फाई, तो साइन 3x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस 3x इंटू साइन फाई को कंबाइन करके साइन ऑफ, लेकिन अगर हम इस एंगल को साई कहें तो 5/13 को हम साइन साई लिखते और उसको कॉस साई, सम अनदर नंबर। फाई और साई रिलेटेड है, फाई का वैल्यू और साई का वैल्यू जोड़ के 90 के बराबर है। मान लीजिए हमको मन होता कि इसको हम कोसाइन फंक्शन में एक्सप्रेस करें तो हम इसको कॉस फाई लिखने के बजाय साइन साई लिखते और उसको कॉस साई, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को कॉस ऑफ ए माइनस बी, तब हम इसको जिसको साइन ऑफ 3x प्लस फाई लिखे हैं इसी को हम कॉस ऑफ 3x माइनस साई लिख पाते। अगर हम फाइव के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पूछें कि व्हाट इज दिस रियल नंबर फाइव, तो आप लिखते हैं फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 12/5। एंड अगर कॉस के टर्म्स में लिख रहे हैं देन व्हाट इज दिस रियल नंबर साई, तो टेन इनवर्स ऑफ 5/12, टेन साई बराबर 5/12, टेन फाइव बराबर 12/5। ये एंगल जो भी है और ये जो भी है इन दोनों का सम 90 के बराबर पक्का होगा, यही हम लोग अब तक सीखे। बट महत्वपूर्ण बात ये था कि भविष्य में कभी हम ऐसा फंक्शन और ऐसा फंक्शन को ऐड करके फंक्शन लिखें तो हम कंफर्टेबल फील करें कि अच्छा ये दोनों फंक्शन को ऐड करने पर एक साइन या कोसाइन फंक्शन ही बनेगा विथ सेम पीरियड। ये फाई के आने से केवल ग्राफ घसकता है और एम्पलीट्यूड 13 एम्पलीट्यूड का, अगर हम ये फाई का वैल्यू जीरो होता क्योंकि नहीं है, तो हम 13 एम्पलीट्यूड का एक ग्राफ ऐसे बनाए होते विथ पीरियड 2π/3। अभी पता तो नहीं चल रहा था ना कि इन दोनों ग्राफ को हम ऐड कर करके जब नया ग्राफ बनाएंगे तो मैक्सिमम 13 हाइट तक जाएगा फंक्शन का वैल्यूज और मिनिमम माइनस 13 तक जाएगा। और फाई के कारण हम इस ग्राफ को 3 टाइम्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 5/3 लिखें तो वी नो कि ये ग्राफ 13 टाइम्स साइन ऑफ 3x का ग्राफ बनाए हैं। एक प्लस 5 ऐड करने से 5/3 यूनिट्स इस ग्राफ को टू द लेफ्ट शिफ्ट करना होगा और ये ग्राफ का हम एक
पोर्शन बनाए हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। अब दोबारे देखने से यही बात थोड़ा और कंफर्टेबल फील करते हैं, यही सीखा है। हम तुरंत अब बता देंगे आज के बाद ऐसे फंक्शन को देख के कि उसका रेंज होगा माइनस 13 से लेके प्लस 13 बिना ये सब किए। इन कुछ सवालों को हम लोग देखें, हम कुछ फंक्शंस लिखे हैं और उनका रेंज पूछे हैं। पहला फंक्शन साइन टू द पावर ऑफ 4 ऑफ एक्स है एंड फोर्थ पावर ऑफ कॉस एक्स। रेंज का मतलब कोई भी फंक्शन का सबसे पहले डोमेन मालूम होना चाहिए। डोमेन को हम अगर ए सेट नाम से संबोधित करें, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जो कि रियल नंबर लाइन का ही एक सबसेट होगा या पूरा रियल नंबर लाइन भी हो सकता है। इसमें से एक एक नंबर डाल के अगर हम फंक्शन का वैल्यू पूछते हैं, x इक्वल टू एक्स वन डालने पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, तो आप सिर्फ बोलते हैं एफ ऑफ एक्स वन। अगर हम रेंज पूछ रहे हैं यानी हम चाहते हैं कि पूरा सेट इस फंक्शन में डाल दीजिए और अब बताइए कि जो सेट आएगा तो उस सेट को हम लोग ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ ए, एज इफ की द मैथमेटिकल फंक्शन एफ को आप अप्लाई किए हैं ऑन द एंटायर सेट। जैसे एक्स इक्वल टू 2 डालने पर आप जो बोलते हैं एफ ऑफ 2, उसका मतलब होता है कि आप एफ नाम का मैथमेटिकल ऑपरेटर को अप्लाई किए हैं ऑन द नंबर 2। तो एफ ऑफ ए का मतलब रहेगा कि आप पूरे सेट पे इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई किए हैं और जो सेट रिटर्न होगा उस सेट को बोलते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ ए। तो हमको यही सेट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? पहला काम तो इसका डोमेन मालूम होना चाहिए इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, क्योंकि दो पीरियोडिक फंक्शन को मिला करके कोई फंक्शन बनाए हैं तो ये भी पीरियोडिक होगा। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका पीरियड जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमको मालूम हो जाए कि उसका पीरियड है किसी फंक्शन का, मान लीजिए कि पाई है, तो जीरो से पाई के बीच में ही हम उसका ग्राफ बनाएंगे और उतना ही दूर में जो उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू आएगा उसी को ना रेंज बोलते हैं, कितना से कितना के बीच में फंक्शन का वैल्यूज आएगा। तो हम सिर्फ उसके एक साइकिल में ही हम ग्राफ को एनालाइज करेंगे, बाकी में तो वही रिपीट होगा। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो ये बहुत जरूरी है जानना कि उसका पीरियड क्या है। अगर पीरियड दिख नहीं रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते ही दिख जाएगा, हम इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे हम साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बताए हैं कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ, और ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बता चुके हैं, और साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स का ग्राफ, अब इसको फिर स्क्वायर करना है, यानी इस हाइट को साइन एक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये वैल्यू साइन एक्स है, उसको फोर्थ पावर पे रेस कीजिएगा तो डॉट और नीचे आ जाएगा। फ्रैक्शन को जितना ज्यादा पावर्स पे रेस कीजिएगा उतना छोटा नंबर, हाफ टू द पावर 4 अगर कीजिएगा तो 1/2 डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, तो ये हाफ से और छोटा नंबर आ जाता है। तो ये अगर हाइट हाफ है 30 डिग्री पे, ग्राफ का हाइट हाफ है, उसको फोर्थ पावर पे रेस कीजिएगा तो 1/16 डॉट यहां बनेगा, यानी ग्राफ इस तरह का होगा साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ। तो उसका पीरियड देखिए पाई है, साइन एक्स का पीरियड था 2π, लेकिन साइन रेस टू द पावर 4 ऑफ एक्स का पीरियड पाई ही हो गया। लेकिन अभी एक और ग्राफ है कॉस टू द पावर ऑफ 4x, जिसका ग्राफ यहां से शुरू होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ का क्रेस्ट एक दूसरे का हुआ होता है,
बाई पाई बाई टू साइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ आप यहां से शुरू करते हैं, पाई बाई टू यूनिट से दोनों क्रेस्ट के बीच दूरी होता है, शिफ्टेड होता है। तो अब उन दोनों ग्राफ को ऐड कर करके नया ग्राफ बनाना है। तो अभी इस शक्ल में देखने पर हम को नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा बनेगा। जो जो फंक्शन हम लोग पहले से तैयार है ना, रट रट के साइन 2x का ग्राफ बना देंगे, पता भूलिएगा कि साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 3x का ग्राफ बताइए। अब इन दोनों का ग्राफ अलग अलग जानते हैं, ये 2π और π, तो ये 2π बाई 2 पीरियड का ग्राफ है। साइन फंक्शन यही आके समाप्त हो गया, 0 से 2π के बीच में 2 साइकिल हो गया और एम्पलीट्यूड 1। हम इसका ग्राफ बना दिए, कॉस ऑफ 3x का ग्राफ, उसका पीरियड 2π बाई 3 है, यानी इतना दूर को 3 हिस्सों में बांट दीजिए तो कोसाइन ग्राफ इतने दूर में 3 साइकिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके नया ग्राफ बनाना है, वो हम नहीं बता सकते हैं कैसा होगा, इट मे बी वी डोंट नो, कॉम्प्लिकेटेड सा है। हाँ, अगर दोनों का पीरियड सेम है तो ग्राफ कोई साइन फंक्शन ही होगा या कोसाइन फंक्शन होगा, यहां 1 और यहां 1 अगर है, दोनों का पीरियड 2π/3 है, तो ये रूट 2 एम्पलीट्यूड का एक नॉर्मल साइन ग्राफ बनेगा, रूट 2, रूट अंडर 1² + 1²। तो अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके शायद हम इसका ग्राफ बना सकेंगे और तब शायद इसका हम रेंज बता सकेंगे। रेंज बताना मतलब ग्राफ बनाना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर, 4 कर दीजिए, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिए, और इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 1 = 2 + cos² of 2x - 2 cos 2x + 2ab - 2ab कैंसिल आउट कर जाएगा बटे 4। हम इसको यहां हाफ लिख दे रहे हैं और यहां 1/4। अब फिर cos² 2x को लिख दे रहे हैं 1 + cos 4x / 2, यानी हम हाफ एंगल फॉर्मूला को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos 2θ/2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ये रिपीटेड यूसेज करेंगे हम। अब हम ग्राफ बना लेंगे, 1/2 + 1/8 को ऐड करें, 4/8 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए, 5/8 + 1/8 × cos 4x। ग्राफ कहाँ बनाना है, हमसे पूछा है इस फंक्शन का रेंज बताइए। वैसे दिख गया कि अब ये पीरियोडिक फंक्शन था, पीरियड 2π/4, यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बना सकते हैं कि नहीं, पहले इसका बनाते हैं, कॉस ग्राफ है, यहां से चले और यहां आके समाप्त कर, और -1/8 और +1/8 हम अभी इस फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं, इसमें हम 5/8 ऐड कर देंगे, पूरा ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। तो जो लोएस्ट पॉइंट है वो 4/8 पे चला जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट 6/8, यानी ग्राफ 5/8 के ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अभी पता तो नहीं चल रहा था ना, आप याद कीजिए अलग अलग दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाए थे हम लोग, दोनों को ऐड करके ऐसा इतना सिंप्लीफाइड ग्राफ। सिर्फ रेंज बताना है, रेंज तो दिख गया, क्योंकि इसका रेंज, ये फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ये -1 से 1 के, ये कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, 4 times रियल नंबर्स, वो ऑल रियल नंबर्स रिटर्न करेगा। अब कॉस ऑफ ऑल रियल नंबर्स का वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कॉस ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अगर आप कॉस फंक्शन में सिर्फ पाई बाई 2 से लेकर के 5π/6 के बीच में
कॉस्ट फंक्शन का वैल्यूज क्या क्या रिटर्न होता है. तो दिस पोजिशन इज पाई बाई टू एंड दिस पोजिशन इज पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यानी यहां से 30 डिग्री पहले. फेजर जब यहां से यहां पे मूव करेगा तो उसका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू यहां से यहां के बीच में मिलेगा. तो अब आउटपुट जो है डॉट कर दिए, ये वैल्यू अगर हम जानते हैं कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 का वैल्यू को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 जो कि इक्वल टू होता है माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री. यानी ये नंबर माइनस रूट 3, अगर 30 डिग्री उधर होता फेजर तो उसका कॉस वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता प्लस 30 डिग्री इधर से तो माइनस, तो माइनस रूट 3 बाई 2 और ये नंबर 0. यानी अगर इतना से इतना के बीच में नंबर्स डालिएगा इस फैक्ट्री में तो कॉस फंक्शन का वैल्यूज माइनस रूट 3 बाई 2 से लेके 0 के बीच में रिटर्न होगा, माइनस 1 से 1 नहीं. बट अभी यहां पे x का जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं दे आर ऑल रियल नंबर्स, तो 4x का वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स, तो कॉस ऑफ ऑल रियल नंबर्स का वैल्यू माइनस 1 से 1, तो इसका वैल्यू माइनस 1 बाई 8 से 1 बाई 8 प्लस, यानी इसका रेंज अब हम तुरंत बता देंगे 5 बाई 8 माइनस 1 बाई 8 से लेके 5 बाई 8 प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इस फंक्शन का और ग्रेटेस्ट वैल्यू. रेंज बताने के लिए किसी फंक्शन का आपको इवेंचुअली उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते जाना है और याद रखना है कि आपको डोमेन पूरा डोमेन लेके घुसना है और पता लगाना है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा. यानी वो कभी नहीं दिमाग से छूटना चाहिए कि इनपुट क्या है. अगर इनपुट हम एक नंबर दें पाई बाई 6 तो आउटपुट भी एक ही आएगा कोई, लेकिन यहां इनपुट है द एंटायर डोमेन. सो यू मस्ट नॉट लूज ट्रैक ऑफ द डोमेन. इस फंक्शन को देखिए, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी है ऑल रियल नंबर्स. दिस इज अ लीनियर फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. फिर उन नंबर को लेके कॉस फैक्ट्री में घुसना है, साइन फैक्ट्री में. तो वो फैक्ट्री सोच ली, अब टेन फैक्ट्री में घुसना होता आपको देखना पड़ता ना, क्योंकि टेन फैक्ट्री में अगर आप स्टार नाम का कोई चीज को लेके घुस रहे हैं, स्टार में भी एनी एक्सप्रेशन सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो घुसने के पहले जानना होगा ना कि स्टार क्या नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू. क्योंकि टेन फंक्शन का हम लोग पढ़ाई किए हैं कि वो पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू पे, माइनस थ्री पाई बाई टू पे नहीं डिफाइंड होता है. तो ये जो भी नंबर लेके घुस रहे हैं उस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन साइन को साइन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, दे वर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. तो ये फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स. इसको एक्सपेंड करें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स प्लस टू टाइम्स कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. अब इकट्ठा करें लाइक टर्म्स को, कॉसेक वाला, कॉसेक्स वाला दो टर्म है, एक 1 बाय रूट 2 और एक 2 बाय रूट 2, तो 3 बाय रूट 2 कॉसेक्स, 1 बाय रूट 2 और 2 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 2 कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स. अब हम यहां 1 कॉसेक्स प्लस 1 साइन एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ साइन एंड कोसाइन. इनफैक्ट अगर इसको हम अंदर लिख दें यहां 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, तो हमको दिख रहा है कि इसको हम चाहें तो साइन ऑफ पाई बाई 4 या इसको कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो हम इसको साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 के रूप में लिख सकते हैं. अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो इसको कॉस ऑफ पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2,
तो साइन भी है पाई बाई फोर का, कॉस भी है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, तो कॉस में लिखते तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर, आइदर दोनों में से कोई एक जो अच्छा लगे। अब यही तो था फंक्शन, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिख रहा था वो एक्चुअली में यही था। अब इसका रेंज बताने में कहां कोई दिक्कत है, ऑल रियल नंबर्स, तो ये ऑल रियल नंबर्स, साइन फैक्ट्री माइनस वन से वन, थ्री से गुना माइनस थ्री से थ्री, रेंज इज वन माइनस थ्री से लेके वन प्लस थ्री के बीच में फंक्शन का सारा वैल्यूज, यानी माइनस दो से लेके चार। इट्स सो सिंपल, बट सिंपल तभी है जब हम इसको अपने जाने पहचाने फंक्शंस के शक्ल में रिड्यूस कर पाए, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। अभी जिस रूप में दिया हुआ है, अलग से साइन थ्री एक्स भी जानते हैं, टू पाई बाई थ्री पीरियड है, फोर पाई बाई थ्री, जीरो से टू पाई के बीच में तीन बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, साइन ऑफ थ्री एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो माइनस वन से वन के बीच में ही होगा लेकिन पीरियड टू पाई बाई थ्री होगा। साइन एक्स भी अलग से जानते हैं, इतना दूर में एक साइकिल कंप्लीट होगा, उसका वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में होगा लेकिन साइकिल एक ही कंप्लीट होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके एक फंक्शन बनाए हैं, यानी एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स पे जो भी साइन ऑफ थ्री एक्स का वैल्यूज आएगा, जो भी साइन एक्स का वैल्यूज वैल्यू आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस नंबर रीडिंग लेंगे डिवाइडेड बाई दिस नंबर, एक नया नंबर, उसको हम एक डॉट के रूप में कहीं प्लॉट करेंगे, पता नहीं कहां वर्टिकल लाइन घसकाते जाएंगे और दोनों नंबर को डिवाइड कर करके डॉट बनाते जाएंगे और ग्राफ बनता जाएगा। कई जगह ग्राफ डिफाइंड भी नहीं है, डिनोमिनेटर कहीं जीरो हो जाए, हाँ जहां जहां एक्स का वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जीरो पाई वन पाई, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे ग्राफ नहीं बनेगा, एक्स इक्वल टू पाई पे ग्राफ नहीं बनेगा, एक्स इक्वल टू टू पाई, जीरो से पाई के बीच में ग्राफ बनेगा कॉन्टिन्यूअस बिना कलम उठाए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स साइन थ्री एक्स बटे साइन एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करके एक डॉट बना पाइएगा, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू टू पाई, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे आप इस फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा, टुकड़ों में बनेगा ये ग्राफ। इसका पीरियड कितना है, तो ये नया चीज पहली बार सुन रहे हैं, ये भी दो पीरियोडिक फंक्शन का मिला के एक फंक्शन बनाए हैं, एक का पीरियड है 2 पाई बाय 3 और एक का पीरियड है 2 पाई बाय 1, एक्स का कोएफिशिएंट 1। तो अब इन दोनों को मिला करके एक फंक्शन बनाए हैं, इस फैक्ट्री में घुसेंगे ना, तो पहले साइन 3x का वैल्यू कैलकुलेट होगा साइन x का, और फिर साइन x का रेसिप्रोकल निकलेगा, और फिर इन दोनों नंबर का गुणा होगा और फाइनली फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, पैरेलल चलेगा कैलकुलेशंस, क्योंकि ये फंक्शन एक निश्चित इंटरवल्स के बाद रिपीट करना शुरू करेगा, और ये भी एक निश्चित, तो पूरा का पूरा फंक्शन कौन सा नंबर है जिसके बाद रिपीटिशन होगा, आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर नंबर टू डिफरेंट पीरियड्स। जैसे एक मैदान में हम लोग दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं, हम और आप, हम यहां हैं आप मेरे साथ में एक जॉगिंग ट्रैक पे हम दोनों दौड़ेंगे, आप भी और हम भी दोनों साथ चले, बट यू कैन रन फास्टर, आप हर दो मिनट में अपना एक गोल चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं इन टू मिनट्स से, और हमको तीन मिनट लगता है, यानी कि हम अभी चलते चलते में भी हम यहां पहुंचे होंगे, आप अभी आगे निकल के आप पहुंच गए होंगे, अब फिर हम अभी चलते 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 यहां पहुंचेंगे, आप में भी अब दूसरा गोल चक्कर खत्म कर चुके होंगे, अब हम जब दौड़ते 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 अब हो सकता है फिर हम लोग दोनों एक साथ उसी स्थान पे क्रॉस कर रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप भी उस स्थान को क्रॉस करते हैं, आप क्रॉस करते हैं हर दो दो मिनट पे, दो दो मिनट पे, यानी जीरो समय पे आप वहां थे, दो मिनट समय पे वहां थे, फिर चार मिनट, छह मिनट, आठ मिनट, दस मिनट, बारह मिनट, इन इन समयों पे आप उस स्थान से गुजरेंगे, और हम जीरो समय पे वहां थे, तीन मिनट बाद वहां छह मिनट दिखिए मिल गया, यानी छठे मिनट पे तो हम दोनों एक साथ उस स्थान से गुजर रहे होंगे, पहली बार हम दोनों एक साथ उसी स्थान से गुजर रहे होंगे, फिर अगला नंबर इसमें नौवें मिनट पे वहां होंगे, बारहवें में देखिए फिर मिल गया,
यानी छठे मिनट पे हम दोनों साथ होंगे वहां, जीरो मिनट पे साथ थे, छठे मिनट पे साथ हैं, फिर बारहवें मिनट पे दोनों उसी जगह पे साथ पे होंगे, फिर अगर खोजेंगे तो अठारहवें मिनट पे फिर हम दोनों साथ होंगे। यानी हम दोनों को कंबाइंड रूप से अगर देखा जाए तो अब फिर कितने कितने समय बाद पूरा का पूरा दृश्य अब रिपीट कर रहा होगा, एक एक अवस्था रिपीट कर रहा होगा। हमारा आपका जो रिलेटिव पोजिशनिंग है वो 6-6 मिनट्स के बाद रिपीट हो रहा है। यानी हम अगर टू डिफरेंट फंक्शंस को लें ऑफ डिफरेंट पीरियड और उनको कंबाइन करें तो जो नया फंक्शन बनेगा वो फंक्शन का वैल्यूज कितने कितने समय के बाद कितने कितने वैल्यूज के बाद रिपीट करेगा। तो ये संख्या LCM है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ऑफ 2-3। देखिए यहां पे जो नंबर्स लिखे हैं दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का दुगुना, 2 का तिगुना, 2 का चरगुना, इनको कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 मिनट। और यहां लिखे हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। अ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा नंबर जो दोनों सीक्वेंस में सेम दिखे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM बोलते हैं। और उसको इस प्रकार लिखते हैं LCM ब्रैकेट में 2, 3, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर्स। अगर हमको आता हो पता लगाना सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, 6 है, उससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है। देखिए जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए तभी डिविजिबल होगा, और वो नंबर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा ढेर सारा नंबर्स है, उनमें से जो सबसे छोटा है वो नंबर 6 है। उसी प्रकार अब हम LCM अगर निकाल पाए इन दोनों संख्याओं का तो इस फंक्शन का वही पीरियड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पीरियोडिक फंक्शंस के साथ आप डील करते हैं आपको पता है कि ग्राफ रिपीट होगा तो कितना कितना इंटरवल्स के बाद रिपीटेशन शुरू होगा। अगर वो पहले से ज्ञात हो तो ग्राफ आप उतना ही दूर में ना बनाएंगे, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसका पीरियड क्या होगा, ये हम लोग का पहली बार ऐसा आ रहा है कि दीज आर टू डिफरेंट पीरियड वाले फंक्शंस को मिला करके कोई एक फंक्शन बनाए हैं। तो LCM निकालना होगा। LCM कैसे निकालते हैं, अगर फ्रैक्शंस लिखा हो a1/b1, a2/b2, a3/b3, इस तरह का फ्रैक्शंस माने 5/7, 6/17, 9/12, 9/13, इन तीनों का LCM निकालना है फ्रैक्शंस का। तो अभी हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, ये निकालने का तरीका है कि आप LCM निकाल लीजिए न्यूमरेटर्स का, a1, a2, a3 का जितना भी हो फ्रैक्शंस, और HCF निकाल दीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर b1, b2, b3 का, डिवाइड कर दीजिए। अब LCM और HCF में अंतर क्या था, जैसे 6 और 8 इन दोनों का हम कहें कि HCF खोजिए, तो 6 किन किन नंबर से डिविजिबल है अपने से छोटा नंबर सोचना होगा, 1 से 2 से 3 से, बस इन्हीं 3 नंबर से डिविजिबल है। हम इंटीजर्स का बात कर रहे हैं, 6 से छोटा जो जो नंबर से 6 डिविजिबल है, और 8 किन किन नंबर से डिविजिबल है, 1, 2, 4 से डिविजिबल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा कौन नंबर है जो कॉमन है जो दोनों को डिवाइड करता कॉमनली, तो इन दोनों का HCF हो गया 2। दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, हाईएस्ट, जो दोनों को डिवाइड करे। और जब LCM ढूंढते हैं तो आप इनसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, जैसे 6 का मल्टीपल्स लिखिएगा तो 12, 18, 24, 8 का लिखिएगा तो पहली बार 24 नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल होगा, फिर 48 आएगा। उन बहुत सारे नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, दैट इज LCM। 5 और 7 का HCF बोलने की ढूंढिए तो आंसर 1 है, क्योंकि ये 5 1 से डिविजिबल है, फिर 5 से, और फिर बाकी कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, और 7 1 और 7 से, तो इनमें हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता हो दैट इज 1। तो अगर आपको इस फंक्शन का पीरियड खोजने के लिए कहें साइन ऑफ 3x/x
फंक्शन का पीरियड, तो वो इसका पीरियड 2π/3 और इसका पीरियड 2π/1, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होगा, जो कि कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 2π इटसेल्फ, इसका मल्टीपल्स है 2π, 4π, 6π, इसका मल्टीपल्स 2π, 4π, 6π, तो कॉमन मल्टीपल में बहुत सारा है, उनमें जो सबसे छोटा है, तो दोनों नंबर जब सेम हो तो उनका एलसीएम वही हो जाएगा। और एचसीएफ 3 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 का फैक्टर्स है 1 और 3, इसका फैक्टर 1 कॉमन एक ही है, अगर बहुत सारा कॉमन होता उनमें से जो हाईएस्ट होगा। अब 24 और 16 का एचसीएफ खोजना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका फैक्टर 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4 से, बहुत सारे से डिविजिबल है, 6 से, 8 से, दीज आर द फैक्टर्स। और इसका फैक्टर्स है 1, 2, सोच रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 3, 4, 8, दैट्स ऑल। फिर 16 और 24 भी है, दीज आर द फैक्टर्स। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो 8 है। सो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ पूछेंगे, 16 और 24 का, तब 8 बोलेंगे। तो 3 और 1 का एचसीएफ है 1, यानी इस फंक्शन का पीरियड है 2π, यानी इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाते हम सब तो 0 से लेकर के पाई के बीच में एक टुकड़ा बनता, फिर पाई से 2π के बीच में दूसरा टुकड़ा बनता, पाई पे डिस्कॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब ये टुकड़ा कुछ, ये टुकड़ा, अब इसके बाद रिपीट होने लगता, अब 2π से 3π के बीच में ये टुकड़ा होता, 3π से 4π के बीच में ये टुकड़ा। तो ये हम लोग के जीवन में नया बात आया कि अगर कई फंक्शंस दे दें, मिला के एक फंक्शन बनाए सब अलग अलग पीरियड का, वही दो व्यक्ति, तो उस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो एलसीएम लेना होगा दोनों के पीरियड का। हमको तो इस फंक्शन का रेंज पूछा है, हमको इसका डोमेन पता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। हमको इसका रेंज तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि हम इसको सिंप्लीफाई करके अपने जाने पहचाने फंक्शन के शक्ल में नहीं ले आए, जो कि हर बार कर रहे थे वही इस बार भी करेंगे। हम इसको 3 sin x - 4 sin³x लिख सकते हैं, और sin x से डिवाइड करके इसको 3 - 4 sin²x लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यूज हम लोग देखें क्या आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यूज हम जानते हैं, साइन एक्स का वैल्यूज होता तो है माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन इसमें आप मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं डाल रहे हैं, यानी अभी जो डोमेन आप डाल रहे हैं साइन फैक्ट्री में वो उसके आउटपुट में माइनस वन से वन के बीच का नंबर आएगा एक्सेप्ट जीरो। अब इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यूज होगा, अब आप बता सकते हैं 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, अब इसको हमको माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। हर नंबर को हम एक्चुअली इस फंक्शन के साथ बहते हैं, हम उसके वैल्यूज ऑफ एक्स को डोमेन में से लेके घुस जाते हैं। तो अभी पहले साइन एक्स का वैल्यूज निकाल लिए, और ऑल दीज वैल्यूज, साइन एक्स का वैल्यूज ये होगा, अब इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। अब हम उसको थ्रू आउट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सब जानते हैं कि इनइक्वालिटी ऐसे पलट जाएगा, माइनस 4 इंटू 0 और माइनस 4, पर लिखते ऐसे नहीं है, लिखते तो हम लोग छोटे वाले को इधर, बड़े वाले को इधर। अब 3 ऐड करना है, 3 ऐड कर दीजिए, 3 - 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, माइनस 4 प्लस 3 से लेकर के 0 प्लस 3, यानी माइनस 1 से लेकर के 3 के बीच में इसका वैल्यूज होगा। अगर आप x का वैल्यू सब वो सब डालते हैं तो इसका वैल्यूज माइनस 1 से लेकर 3 नॉट इंक्लूडेड, यहाँ इक्वालिटी नहीं होना चाहिए, नोटिसेबल है। यही अगर 0 भी रिटर्न कर रहा होता तब यहाँ इक्वालिटी हो जाता, तब आंसर में हमारे इस फंक्शन के आउटपुट सेट में 3 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी भी 0 रिटर्न नहीं करेगा। तो हम रेंज खोज दिए, इस फंक्शन का वैल्यूज विल लाई बिटवीन -1 to 3। यहां दो फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाए हैं, अलग अलग दोनों को जानते हैं, ये था साइन एक्स, ये है मॉड साइन एक्स,
का ग्राफ, जिसका ग्राफ 0 से 1 के बीच में पीरियड पाई है, और मॉड ऑफ कॉसेक्स का ग्राफ वो यही बना रहे हैं, कॉसेक्स का ग्राफ मॉड कॉसेक्स, नीचे लटका हुआ जो हिस्सा था उसको ऊपर कर दिए, वो भी फंक्शन है पीरियोडिक, उसका पीरियड भी पाई है। तो यहां दो फंक्शन है जिन दोनों का पीरियड पाई है। अब इन दोनों को कंबाइन करके ग्राफ बनाना है। जब दो फंक्शन दोनों का पीरियड इंडिविजुअली पाई पाई है तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? तो हम कहे थे कि एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, और एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई द लोएस्ट मल्टीपल, पाई का मल्टीपल्स पाई, टू पाई, थ्री पाई, इसका मल्टीपल्स पाई, टू पाई, थ्री पाई, दिस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज पाई। अभी तुरंत हम आपको यही सिखा कि एक फंक्शन में अगर बहुत सारा पीरियोडिक फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि साइन ऑफ 2x है इंटू कॉस ऑफ 3x है डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 5x प्लस 7, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 पीरियड, 2 पाई बाई 3 पीरियड और 2 पाई बाई 5 पीरियड का फंक्शन बनाए हैं। अब इस फैक्ट्री में जब वैल्यूज ऑफ x डालेंगे और इस फंक्शन का वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो एक निश्चित वैल्यूज ऑफ x के बाद फिर से वही वही वैल्यूज आने लग जाए, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना के बाद रिपीटेशन शुरू हो। तो वो एलसीएम लेना होगा इन तीनों का, जो कि कैसे लिया जाता है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स। यही आपको सिखाए हैं कि अगर ढेर सारा पीरियोडिक फंक्शंस को मिला करके एक फंक्शन बनाए, ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड पूछें कि बताइए, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पीरियड। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल 2 पाई, उससे छोटा नहीं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 3, 5 का 1 है। ये जो नंबर बताते हैं वो इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा ये, या उसके बराबर हो सकता है। इन तीनों का एचसीएफ इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा या उसके बराबर होगा, फैक्टर माने जो डिवाइड करे। तो इस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई, इसका ग्राफ हर 0 से 2 पाई के बीच में अगर बना लिए ना, बाकी कॉपी पेस्ट कर सकते। तो यहां भी वही आसान लगता है बड़ा, कि ये फंक्शन पीरियोडिक है पीरियड पाई जानते हैं, ये फंक्शन पीरियोडिक जानते हैं पीरियड, दोनों को मिला करके आप गुना करके ऐड करके भाग दे के कुछ करके भी एक फंक्शन बनाए हैं टू पीरियोडिक फंक्शंस का, तो पीरियड क्या होना चाहिए इसका? तो हम जो आपको थ्योरी दिए हैं उसके अनुसार तो यही होना चाहिए, बट यहां थोड़ा सा कैच है, हम बड़ा डिटेल में डिस्कस किए हैं इसको किताब में अपने, हम कैलकुलस को आपसे भी कर रहे हैं। जरा देखिए, तो जैसे साइन फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, हमेशा पीरियोडिक फंक्शन का जब एग्जांपल लेना होता है ना, तो यहीं से शुरू करते हैं। मार्क कीजिए साइन फंक्शन, हम पीरियड को डिफाइन किए हैं एक ऐसा नंबर जिसके बाद फंक्शन का वैल्यूज रिपीट करने लगता है, यानी किसी भी एक्स पे फंक्शन का वैल्यू आप निकालें और एक्स प्लस टी पे फंक्शन का वैल्यू निकालें तो सेम वैल्यू आए, यानी फंक्शन का वैल्यू एट एक्स प्लस टी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट एक्स। ऐसा कोई नंबर अगर हो, पॉजिटिव नंबर, पीरियड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, डिस्टेंस है कि इतना इतना डिस्टेंस के बाद अगर वैल्यू सेम सेम मिल रहा हो थ्रू आउट द डोमेन, तो उस नंबर को कहते हैं पीरियड। जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई का वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन एक्स और एनी एक्स, ये बात ट्रू है, तो हम 2 पाई को कहेंगे इस फंक्शन का पीरियड। पर जरा देखिए, तो एक बात ये भी तो सत्य है, साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई का वैल्यू भी तो साइन एक्स के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस 4 पाई पे एक नंबर लें, यहां पे भी फंक्शन का वैल्यू सेम होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई पे भी फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। तो पीरियड किसको लें, 2 पाई को कि 4 पाई को कि 6 पाई को? अगर हम 2 पाई जितना लेंथ काट के कॉपी पेस्ट कर दें तो ग्राफ बन जाएगा, अगर कोई विद्यार्थी 4 पाई जितना लेंथ को काट के कॉपी पेस्ट करता तब भी तो ग्राफ बन जाता, तो पीरियड किसको ले? तो हम लोग थोड़ा क्लैरिफिकेशन यहां करते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबको पीरियड बोलेंगे, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा टुकड़ा
होगा उसको फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। यानी साइन फंक्शन का पीरियड इसको भी कह लीजिए 4π भी 6π भी 8π भी, यानी इतना इतना डिस्टेंस के बाद वो रिपीटेशन होगा। बट फंडामेंटल पीरियड कौन है पूछेंगे, तो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो अब साइन फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड है 2π, 2π से छोटा टुकड़ा काटिएगा ना तो रिपीट कर करके ग्राफ नहीं बनेगा। जैसे सेल बोलते हैं हम सब, वो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाए अंत में कौन सा ऐसा टुकड़ा है जिसको जुट के हम बने हैं, उसको सेल बोलते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड। यानी हम जब 2π बोलते थे ना कि साइन फंक्शन का पीरियड है, तो एक्चुअली हम मीन कर रहे थे उस समय साइन का फंडामेंटल पीरियड। अगर हम इस फंक्शन का पीरियड कहें हैं कि पाई है, तो इज इट इट्स फंडामेंटल पीरियड? यानी कि ऐसा तो नहीं कि हम 0 से पाई के बीच में जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो हम देखें कि ऐसा ग्राफ बन जाए। आप पाई से 2π के बीच में ग्राफ बनाएं तो इस टुकड़े को जोड़ जोड़ के तो पूरा ग्राफ बन ही रहा है, लेकिन एक्चुअली हम 0 से π/2 वाला टुकड़ा बना लिए होते तो उसको जोड़ जोड़ के भी ग्राफ बन गया होगा। यानी कि जिसका पीरियड हम कह रहे हैं कि पाई है, हो सकता है उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड π/2 हो या π/3 हो या π/4 हो, पाई का कोई भी फैक्टर हो। जैसे हम अगर साइन फंक्शन का कहते कि पीरियड 10π है, ये सत्य है, असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ x प्लस 10π विल बी इक्वल टू साइन x। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी x इन इट्स डोमेन। ये सिंबल है फॉर एवरी, v है पेट कटा हुआ। मैथमेटिक्स में तो हम लोग सब सिंबल्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी x इन इट्स एंटायर डोमेन। तो 10π इज डेफिनेटली इट्स पीरियड, बट फंडामेंटल है कि नहीं वो? अगर 10π किसी का पीरियड बोल देते हैं ना हम, की है, हो सकता है कि उसका पीरियड 10π का जितना भी फैक्टर्स छटनी कर सकते हैं, 10π/2, 10π/3, 10π/4, 10π/5, 10π/6, 10π/7, हाँ हम लोग जानते हैं कि 10π/5 के बाद, यानी 10π का पांचवा टुकड़ा कर दीजिएगा, अब उससे छोटा टुकड़ा कीजिएगा तो साइन फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट नहीं है। तो एक्चुअली में इस फंक्शन का पीरियड तो है पाई, एलसीएम जो निकालते हैं ना π/π और पीरियड बताते हैं पाई। इस तरीका से एक्चुअली आप फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल पाते, जो निकलता है वो है पीरियड। तो हम लोग देखे हैं कि जिस किस में भी फंक्शन में मॉड प्रेजेंट हो वहां पर आपको चेक करना जरूरी हो जाता है कि अब आप जो निकाले हैं वो पीरियड, जहां मॉड नहीं है वहां ठीक है, बट जहां भी मॉड है वहां पे चेक करना पड़ता है कि इज इट द फंडामेंटल पीरियड और नॉट। यानी कि हमको अब देखना होगा कि पाई पे तो रिपीट हो रहा है ये फंक्शन, यानी हम इसमें एक्स के जगह अगर एक्स प्लस पाई डालें फंक्शन का वैल्यू वही रह जाएगा। चेक करके देखिए, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई का मॉड प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई का मॉड। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा और वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज कॉस एक्स और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स। बट मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स इज सिंपली मॉड साइन एक्स, यानी कि फंक्शन जस के तस रह गया। इस एक्सप्रेशन में एक्स डालिए कोई भी नंबर या एक्स प्लस पाई डालिए सेम नंबर आंसर आ जाएगा। तो पाई तो करेक्ट आंसर है, इसका पीरियड है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं वी मस्ट चेक। कैसे चेक करेंगे? π/2 से शुरू करते हैं। अगर π/2 डालने पर भी हम देखें कि रिजल्ट मैच कर गया तो हम π/3 डाल के ट्राई करेंगे, फिर π/4। यानी हम अब चेक कर रहे हैं एक्स के जगह एक्स प्लस π/2 डाल के देखें कि फंक्शन का वैल्यू बदलता है या नहीं।
साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू का मॉड प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू का मॉड, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख लेते हैं, और माइनस की प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन का वैल्यूज पॉजिटिव होता है तो प्लस ही रह गया, प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा साइन थीटा लिख लें, और पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, ओके फंक्शन का वैल्यू वही रह गया, मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, यानी कि इसका पाई बाई टू पीरियड है, अभी भी फंडामेंटल है कि नहीं नहीं जानते। अब हम कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री डाल के चेक करेंगे। हाँ, अब आप अपने से देख लीजिएगा, अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो सेम फंक्शन नहीं आएगा, यानी कि हम निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड है पाई बाई टू, यानी एलसीएम मेथड से जो निकलता है वो फंडामेंटल नहीं निकलता है, पीरियड निकलता है, लेकिन मॉड नहीं हो तो वही फंडामेंटल भी होता है, लेकिन मॉड हो तो आपको चेक करना होता है। ना एक भी क्वेश्चन आज तक आईटी में पूछा है, ना कभी पूछेगा, दिस इज टू मच। एक तो हम खाली एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये फंक्शन पीरियोडिक है, कितना पीरियड है, तो देख के तो लगा था एलसीएम मेथड से कि पाई है, पर थोड़ा एफर्ट किए तो पता चला कि अच्छा इसका ग्राफ तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा, अब फिर रिपीट होगा, यानी अब इस फंक्शन का जब एनालिसिस कर रहे हैं, रेंज निकालना है ना, तो हम सिर्फ जीरो से पाई बाई टू डोमेन में काम करेंगे, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू के बीच में अगर हम इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ लिए तो फिर तो वही वैल्यूज रिपीट करें, यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। अब आप दिमाग में सेट कर लिए हैं कि हम जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही इस फंक्शन का एनालिसिस करेंगे, अब इसको रिड्यूस करना होगा, अपने जाने पहचाने फंक्शंस के शक्ल में नहीं कर पाएंगे तो रेंज नहीं बता पाएंगे। करते हैं, अभी हम जीरो से पाई बाई टू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां तो साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, मॉड का जरूरत क्या है, इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दीजिए, इसको वन और वन है, रूट टू से डिवाइड कीजिए, रूट टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर लिख दीजिए। अब हम ये सारा वैल्यूज ऑफ एक्स लेकर के इस फैक्ट्री में घुसने वाले हैं, तुरंत मत बोल दीजिएगा हड़बड़ा करके, इसको बिना देखे बोलिएगा ना, तो आप इसका रेंज बता दीजिएगा माइनस रूट टू टू रूट टू गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यूज आप दुनिया भर का नहीं डाल रहे हैं ना, ऑल रियल नंबर्स जीरो से नब्बे के बीच में डाल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स का वैल्यूज अगर जीरो से नब्बे के बीच में डालेंगे डाल रहे हैं फैक्ट्री में, तो पहले हम पाई बाई फोर ऐड करेंगे दोनों तरफ, पाई बाई फोर से लेकर थ्री पाई बाई फोर। अब हम साइन का वैल्यूज देखेंगे फैक्ट्री में घुसेंगे कितना होगा, अब ये फेजर डायग्राम में देखना होगा, यहां लिखा है कि एक एंगल है जिसका वैल्यूज पाई बाई फोर से लेकर के थ्री पाई बाई फोर के बीच में वैरी कर रहा है यहां से यहां, तो साइन का वैल्यूज यहां से यहां के बीच में रहेगा, फेजर जब यहां से वहां घूमता है तो उसका परछाई को साइन फंक्शन को का वैल्यूज बोलते हैं इस डायमीटर पे, तो ये वन बाई रूट टू से वन के बीच में वैल्यूज लाई करेगा, वन बाई रूट टू से वन के बीच में साइन फंक्शन क्या वैल्यूज रिटर्न करेगा और एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, इसका जवाब फेजर डायग्राम में ही मिलता है और कहीं नहीं। ये हम लोग सीखे हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, एक बार अगर विजिट कीजिएगा ना वीडियो को तभी जब नहीं सीख सकते हैं, बिना दोबारे तिबारे चौबारे सुने नहीं सीख सकते, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं सीख सकते हैं तो आप कैसे सीख सकते हैं। उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि हम दूसरों से ज्यादा तेज नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि हम प्रॉब्लम के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, जिद्दी हैं, छोड़ते नहीं, यही एकमात्र सच है। अगर आप साथ नहीं बिताते हैं, प्रॉब्लम के साथ नहीं रहते हैं घंटों घंटों, आप किसी स्थिति में स्मार्ट नहीं हो सकते। हमको गाइड की तरह ट्रीट कीजिए, मैंने आप जाके सुत जाइए और हम आपके बदले में मजदूर की तरह खटे, ऐसा नहीं ट्रीट कीजिए, लेट मी बी योर गाइड, उंगली पकड़ के साथ चलते हैं आपके। एंड अब इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार हमको फंक्शन एफ एक्स का वैल्यूज वन से रूट टू के बीच में लाई करेगा, रेंज निकल गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त करते हैं फॉर गुड।